हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित रंगलानी, स्टूडेंट ऑफ बीफॉर्म फाइनल ईयर। इस वीडियो में मैं आपको जिनगोनिया सिरप के बारे में बताऊंगा जो जुवेंटस हेल्थ केयर के द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनगोनिया सिरप का मेन इंग्रेडिएंट जिंक एसीटेट है। जिनगोनिया सिरप के हर एक 5 ml में 20 mg जिंक एसीटेट मौजूद है, जो 20 mg एलिमेंटल जिंक के बराबर है। जिनगोनिया सिरप में मौजूद जिंक एसीटेट जिंक एलिमेंट का डाइहाइड्रेट सॉल्ट फॉर्म है। किसी भी मेडिसिन को सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद उस मेडिसिन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, जिंक एसीटेट और जिंक सस्पेंशन या सॉल्यूशन एक ही हैं, उनमें कंफ्यूज ना होएं। जिनगोनिया सिरप का इस्तेमाल बॉडी में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिंक एक एसेंशियल मिनरल है मानव शरीर की उचित वृद्धि और रखरखाव के लिए। संक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। जिंक शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम्स और हार्मोन्स का एक हिस्सा है। जिनगोनिया सिरप में मौजूद जिंक को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जिनगोनिया सिरप को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनगोनिया सिरप में मौजूद जिंक शरीर द्वारा कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में भी मदद करता है। जिनगोनिया सिरप को सभी इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जा सकता है। जिनगोनिया सिरप कार्डियक, डायबिटिक, ट्यूबरकुलर और रूमेटिक पेशेंट्स को बेस्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जिनगोनिया सिरप को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया, वुंड और इंजरी जैसी कंडीशंस में ठीक होने के समय को कम करने के लिए बेनिफिशियल सप्लीमेंट के रूप में रिकमेंड किया जाता है। छोटे बच्चों में डायरिया से रिकवर होने के लिए जिनगोनिया सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जिनगोनिया सिरप के डोज सेक्शन को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर के परामर्श पर ही लेनी चाहिए। जिनगोनिया सिरप आपको 96 rupees में 100 ml की पैकेजिंग किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मोहित रंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।